घर पे आया हुआ हूँ। व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन टूटा हुआ है, और फ़ोन टूटने पे मन नहीं करता है व्लॉग बनाने का। घर पे चल रही है तैयारी पेंट की, तो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। वो फाइनल टच तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, वो तैयार होने के बाद दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी जो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं पेंटर भाई लोग, वो दिखा देता हूँ। ये घर हो चुके हैं, पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, खाली खाली हुआ करता था, सब खेत हुआ करते थे। ये यहाँ पे रोड, ये अपना डीएवी कॉलेज वाली रोड जो कि खूब फेमस है, और वो अपना डीएवी कॉलेज जानसठ के नोट ये दोनों छाप रहे भाई। ये भाई ने नई दुकान ली है। अच्छा अच्छा भाई का लोगो। कंसीड वनसीड फिट है एकदम भाई जी, कच्छा बनियान नेकर पजामा सब कुछ अवेलेबल है। और ये मालिक है, है कौन सी जगह है? वलेडी रोड वाली जगह है ये, मतलब अगर अभी तो इतना अभी शायद जान सकते तुम लोग नहीं देख रहे होंगे इतने, लेकिन ये है कि मेन रोड ये है, हटके है, लीक से हटके है, लेकिन लीक से हटके सामान भी रहेगा इसके पास। और जब ओपनिंग रहेगी ना इसकी, फित्ता वित्ता काटने के लिए पूरा टेंट यहाँ से यहाँ तक लगाएगा। आइटम रहेंगे क्या क्या भाई, आइटम क्या क्या रहेगा? कट एंड केयर, पैंट शर्ट चड्डी बनियान निकर पजामे, मैं कह तो रहा हूँ सब कुछ मिलेगा। बोला गरम माल और भाई फोटो भी, अरे भाई जी जा रहे हैं, मैं कितने जा रहे हैं, चलो जा रहे हैं, अरे देख जिस शादी में जाएंगे ना उसे वीडियो बनाते हैं। हाँ मैं वही खाली अद्धी वो पूरी भरड़ी पतुल्ला था अनुकल ले भाई, मजा नहीं आ रहा खुशी का फैक है। यार इस बीस्ट को पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ मैं भाई जान सट में, पहली बार थार देख रहा हूँ मैं। और यार ये ऐसी कार है ना, इसको देखते ही प्यार हो जाता है जान सट में पहली बार भाई। इसमें तो बिठवा के भी दिखा दिया यार खुशी। तो मतलब एक अलग सा क्रेज है, भी अलग सा है, हर चीज एक अलग सी बात है, मतलब जहाँ पे थार वहाँ पे एक अलग बात। भाई देखो सब ट्राई कर रहे हैं, मैंने भी दो तीन सिप मार ली, भैया भी 6-7 सिप मार रहे हैं, और उसके बाद ना ये क्या करेगा, ये सीधा उधर ही रख देगा उधर लोगो भाई। और ये तो भैया ना खत्म ही कर दिया, और ये ना अब क्या होगा, अब ये सीधा वहीं रखा जाएगा। तो भाई इस शख्स की दुकान पे आने से पहले सोच, भाई इस शख्स की दुकान पे आने से पहले सोच लियो भाई। मतलब दिमाग की ना माँ बहन हो जाती है जब तुम बाइक वो खड़ी देख रहे हो ना, सामान इतना सामान लेके, थोड़ा सा पैसे की रिक्वायरमेंट थी, पैसे लेने के लिए अंदर आओ, और ये भाई साहब देखो सॉरी और सॉरी ये लिखा मिले, मतलब वो भैया इसमें डाल लिया करो यार, कोई आदमी इतना परेशान होके आता है ना। और यार तुम देखो ना, अगर तुम्हें टू व्हीलर को ना फोर व्हीलर बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, मुझसे ले लो। घर वाले बिल्कुल मार के रखते हैं, अगर जान सट आ जाओ ना, इनको पता चल गया कि भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है और लोंडा जान सट जा रहा है, तो पूरे पूरे पूरी पूरी लिस्ट दे देंगे हाथ में कि भाई ये लेके आना, वो लेके आना, ये लेके आना। अभी देखो इतनी गर्मी में ये लेके आ रहा हूँ। बस भाई आ गए हैं हम अब घर पे, तो ये देख लो अम्मा की दूध चल रहा है। अम्मा हो क्या गया इधर, चोट लग गई थी अम्मा को शायद, ये पसलियों में चोट लग गई थी, तो खाट से लग गई थी, कैसे लग गई थी, हाथ नू था। अच्छा 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 नू रपट गया होगा वो। तो भाई हल्दी का दूध दे रहे हैं अम्मा को, हल्दी के दूध से थोड़ा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चोट लग गई थी अम्मा को, मम्मी विक्स लगा रही है थोड़ा सा, देखो क्या है ना लगाओ जो होते हैं वो, यहाँ पे लग गई थी। लोगों के साथ लगाओ के रख के ले सकते हो, जो 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 अच्छी सच्चे दिल की जो विश है ना वो सच्चे मन से निकलती है, बस वही है। तो मम्मी लगा रही है उनको। करीब कुछ ऐसा खास प्रोडक्टिव दिन तो नहीं गया अब तक, लेकिन घर पे आना और मम्मी पापा के साथ में टाइम स्पेंड करना ही सब कुछ प्रोडक्टिव रहता है। थोड़ी सी नींद भी है, और जब मेरे को थोड़ी नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन ऐसे ही उथल पुथल में जाता है। मम्मी से जब भी कराई थी उसके बाद में सर धोया, थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है, थोड़ा देखो आंखें भी नींद नींद में लग रही है। सुबह 3 बजे आँख खुल गई थी, फिर उसके बाद में थोड़ी एडिटिंग की। और देखो एक मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि जैसे कोई इंसान है ना,
एक ये इस वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है यार। मैं कुछ ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें ही बता रहा हूँ, मैं अपना काम अपनी बड़ाई बता रहा हूँ। और मुझे एक मन रहता है कि मैं अपने इस दिन को प्रोडक्टिव बनाऊँ, इस दिन को मेमोरेबल बनाऊँ। कभी मैं इस दिन की याद लेना चाहूँ तो मैं आगे आने वाले टाइम में भी अपनी ये वाली व्लॉग खोल लूँ या वीडियो खोल लूँ। जो लोग प्यार कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत है। लेकिन मुझे कुछ इतना नहीं रहता है, मुझे इससे प्रोडक्शन नहीं लेना है यूट्यूब से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब थोड़े थोड़े वो हो जाते हैं, पर ये वाला टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मेरा बहुत छोटा ग्रोथ स्टैंड है। मुझे पता है कि जो क्रिटिक्स हैं वो तो चलते ही रहेंगे साथ बे साथ। छोड़ो, मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी बनाते रहता हूँ, उन पे भी ध्यान दिया करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं अगर मैं व्लॉग में डाल देता हूँ तो उस पर थोड़े मेरे को सजेशंस दे देते हैं कि ये क्या है वो क्या है। लेकिन मैं अच्छी बातें भी डालता हूँ, उस पर शायद नहीं जाते होंगे ध्यान। हाँ, ध्यान नहीं आता होगा। चलो, और ये हो गया आफ्टरनून का टाइम, तो लंच भी आ गया है। पापा मम्मी और मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई है आज, मज़ा आ गया। और जो रील्स है वो मेरे इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे पिंच कर दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करो, वहाँ पे मैं बहुत खुराफात सब कुछ करता रहता हूँ। मेन ही है, तुम यार यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे तो ठीक है, फिर भी बाद में आ जाओगे। और अब इंजॉय करते हैं, खाने में बना हुआ है। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, मैं चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग्स में, क्या नहीं। थैंक यू।